देख सकते हैं इथेरियम का लाइव चार्ट चल रहा है और यहाँ पे अपना स्ट्रेटेजी किस तरीके से वर्क कर रहा है लाइव देख सकते हैं। कैंडल के साथ अपना इंडिकेटर किस तरीके से वर्क कर रहा है और मैं हमेशा गाइज लाइव मार्केट में दिखाता हूँ ताकि किसी प्रकार की कोई भी कंफ्यूजिंग ना रहे आप लोगों को, ठीक है। आप टाइम मैच कर सकते हैं, आपको देख के खुद आइडिया लग जाएगा कि वाकई में ये लाइव है कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितना बड़ा मूव मिला है, ठीक है। और ये स्ट्रेटेजी में देखो क्या है, इसमें ना माइंड डिस्टर्ब नहीं होगा। अगर माइंड डिस्टर्ब नहीं होगा तो काफ़ी क्लियर तरीके से आप लोग पोजिशन बना के होल्ड करके बैठ सकते हैं, ठीक है। होल्ड कर पाना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि और कोई अगर स्ट्रेटेजी आप यूज़ करते तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब होता है कि आप कब निकलना है, अब निकलना है, कब निकलना है, ऐसा बहुत ज़्यादा माइंड में चलता है। सपोर्ट इसने टेक्निकल चीज़ें, कैंडल्स के नाम और भी पैरामीटर, ऐसे ऐसे चीज़ें देखते हैं और कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो बेट इसके अंदर कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें आपको सिर्फ इंडिकेटर को फॉलो करना है। ये स्ट्रेटेजी बैंक निफ्टी, निफ्टी, फॉरेक्स, क्रिप्टो एंड ऑल सेगमेंट में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी टाइम फ्रेम पे। बाकी सब स्ट्रेटेजी में ऑलरेडी बताया गया किस तरीके से यूज़ करना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो जिस रिलेटेड चीज़ें हैं जो इंडिकेटर से जुड़ी चीज़ें हैं वो सब कुछ उसमें मेंशन किया हुआ है। इसलिए हम देखो हमारे पास पहली बार इतना टाइम नहीं होता पर्सनली पूरी दिन लाइव मार्केट में या लाइव बहुत सारे हैं जो बोलते हैं लाइव आने के लिए यूट्यूब पे, पर हमारे पास टाइम नहीं होता। और ये इंडिकेटर में इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड ऐसी चीज़ें हैं नहीं जो बहुत लंबी वीडियोस बनाऊँ, ठीक है। जब भी टाइम मिलता है मैं लाइव मार्केट में एक छोटा सा क्लिप हमेशा आप लोगों को लाइव दिखा देता हूँ किस तरीके से इंडिकेटर वर्क करता है। आप जैसे यहाँ पर देख सकते हैं रेड लाइन, रेड कैंडल, सेम टाइम एरो पे क्रॉस, यहाँ पोजीशन बनाया डाउन साइड, ठीक है। फिर अपोजिट, फिर कुछ देर में अपोजिट कैंडल बन गया, ठीक है। अपोजिट बन गया तो यहाँ पे डेफिनेटली थोड़ा सा लॉस ज़रूर होगा। कोई भी इंडिकेटर, कोई भी ऐसा स्ट्रेटजी, कोई सा भी होगा, 100% कोई भी परफेक्ट नहीं होगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। 19-20 डेफिनेटली इसमें होता है। जैसे यहाँ पे पोजीशन बना, यहाँ पे निकल गए, ठीक है। फिर यहाँ पे बाय का, फिर अप का पोजीशन बन गया अप साइड का, ठीक है। फिर यहाँ पे वेट करना होता है डबल कंफर्मेशन का, डबल कंफर्मेशन मिला एंट्री होती है। अब यहाँ पे पोजीशन बनाए, अब यहाँ पे देखो इस जगह पे एग्जिट हुआ तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना अच्छा मोमेंट मिल गया, ठीक है। और ये चीज़ें जो होती हैं अपोजिट भी एक बार कैंडल मिलता है तो यहाँ पे सेम टाइम में देख सकते हैं ना ही क्रॉस किया है ना ही अपोजिट के लिए ग्रीन लाइन की जगह रेड लाइन बना है। तो ये जो पॉइंट्स होती हैं यहाँ पे क्वांटिटी ऐड की जाती है इस जगह पे, या फिर यहाँ स्कैल्पिंग पॉइंट बोलते हैं, आप स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं बीच में कभी भी आके, ठीक है। और फिर देखो फिर इस जगह पे दोबारा ये वाला पोजीशन अब यहाँ पे अपोजिट हो रहा है तो यहाँ पे फिर से पोजीशन बनाए इस रेड कैंडल पे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से बना फिर दोबारा इस कैंडल पे दोबारा अपोजिट हो गया सेम टाइम पे देख सकते हैं। फिर 19-20 हुआ, ठीक है। फिर यहाँ पे पोजीशन बन गया रेड लाइन, ग्रीन लाइन, ग्रीन कैंडल, सेम टाइम एरो पे क्रॉस, यहाँ पोजीशन बन गया अप साइड का। अब तो यहाँ पे भी छोटा सा 19-20 का लॉस, लॉस 19-20 होना ही होना है। कई बार प्रॉफिट में भी होगा, ज़रूरी नहीं है हर बार ही हो, बट 19-20 होगा। और जो मोमेंटम होगी वो जो आप फॉलो करके रखेंगे स्ट्रेटेजी को जब तक वो अपोजिट ना हो तो उसमें काफ़ी बेहतरीन तरीके से आप लोग इसमें मूव कैप्चर कर पाएंगे बिना माइंड डिस्टर्ब किया। अब यहाँ से देखो कितना बड़ा मूव मिल गया है, ग्रीन लाइन, ग्रीन कैंडल, सेम टाइम एरो पे क्रॉस, यहाँ से देख सकते हैं काफ़ी बड़ा मूव मिला है, ठीक है। यहाँ अपोजिट हुआ है तो ये ऐसी जगह पे क्वांटिटी ऐड की जाती है, या फिर ये वाला आपने मिस कर दिया तो यहाँ पे स्कैल्पिंग पॉइंट बनता है। बाकी सब और स्ट्रेटेजी में बताया गया किस तरीके से यूज़ करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रॉपर अगर सिग्नल यहाँ पे मिलेगा तो ये डाउन साइड जाएगा, नहीं तो ये अभी अपसाइड का मोमेंटम बना हुआ है, देख सकते हैं अभी प्रॉपर क्रॉस किया नहीं है। बाकी जो चीज़ें हैं वो स्ट्रेटेजी में प्रॉपर बताया गया है। इसमें मूव क्या होता है, क्रिप्टो फॉरेक्स के अंदर मूव काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, वो मूव अपने को नहीं पता होगा, ऊपर कितना जाएगा, नीचे कितना जाएगा नहीं पता होता है, बट इंडिकेटर को फॉलो करेंगे लॉस छोटा मोटा ज़रूर होगा, मैं कह रहा हूँ होगा, छोटा मोटा होगा। और जो प्रॉफिट होगी वो काफ़ी बड़ी होगी क्योंकि हम इसमें मूव, जितना बड़ा मूव हो, मार्केट क्रैश हो, अपसाइड जाए, कोई भी न्यूज़ आए, कुछ भी आए, अपने को भी फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है, ठीक है। और वीडियो देखो बहुत लंबा बनाने का कोई मकसद है नहीं, कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, बाकी डेफिनेटली बहुत सिंपल तरीके से इसमें आप यूज़ कर सकते हैं, बाकी सब स्ट्रेटेजी में बताया गया। इंटरेस्टेड हैं, सीखना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैसेज करके कुछ भी हो पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई भी क्वेरी हो मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।